जो मुद्दा था बदराणा जोड़ बचाओ, बदराणा जोड़ के बारे में सवाल जवाब का मंच लगाया गया था, उसको छोड़कर नवलगढ़ की पूरी जनता ने उस वीडियो को देखा है, सुना है, सिर्फ उसमें चार बातें आपको दिखाई दी। आधे घंटे तो विधायक जी ने भक्तों वाले जोड़ के बारे में चर्चा की, आधे घंटे उन्होंने प्रताप पूनिया पे चर्चा की, 15 से 20 मिनट उन्होंने क्या पता कौन से चुनाव में कौन लड़की रामदेवरा चौक पे बैठ गई थी उस पे चर्चा की। मैं इस मंच के द्वारा हमारे विधायक महोदय से ये पूछना चाहूंगा कि आपने मंच तो बदराणा जोड़ के लिए लगाया था, बदराणा जोड़ के सवालों के लिए लगाया था, उस नगर पालिका में अपने जयकारों के लिए लगवाया था क्या? और मैंने उस वीडियो को देखा, उस वीडियो के अंदर 2 से 3 व्यक्ति उनसे सवाल करते हैं तो उनको पीछे से पकड़ के ले जाया जाता है और उनके सवालों का जवाब नहीं दिया जाता है। ये तो गनीमत रही कि संघर्ष समिति ने अपने सवालों को बहुत ही अच्छे फैसले के साथ में मीडिया के हाथों भेजा। हम भी वहां जाते, अगर उन्होंने जो समय दिया था 12:30 बजे पहुंचने का, उस समय अगर विधायक महोदय जी मंच लगाते हम वहां जाते, लेकिन 1:30 बजे तक 2 बजे तक उनका वहां नहीं पहुंचना, किसी का इंतजार करने के लिए संघर्ष समिति बैठी नहीं है। और ये नवलगढ़ की जनता जिन्होंने विधायक जी को आज इस पोस्ट पे पहुंचाया है, तो उनका कर्तव्य बनता है कि वो नवलगढ़ की जनता की आवाज को सुने, उनका परम धर्म बनता है कि वो इस धरने पे आते, हमसे सवाल जवाब करते, हमें गलत साबित करते। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि उन्होंने जो उनके पास में ट्रिक्स है, पिछले 13 सालों से वो एक भाषणों के माध्यम से लोगों को बरगलाने का काम करते हैं, केवल जो जिन मुद्दों पर बात होनी चाहिए उन मुद्दों से हटकर बातें करते हैं, उनके खिलाफ मैं आज उनके बातों का जवाब देने के लिए इस प्रेस वार्ता के अंदर मौजूद हुआ हूं। विधायक जी ने कल को छोड़कर जितने भी मीटिंगें हुई उनमें बदराणा जोड़ में 40 बीघा जमीन बताई है, और वो कल क्या कह रहे हैं अपने जवान से कि उसको हमने 48 बीघा जमीन कर दी है। तो मैं इस बातों को दरकिनार करूंगा, क्योंकि ये विधायक जी की दोगली बातें हैं। पहले वाले भाषणों में वो कहते हैं कि 40 बीघा दान कर दी है और कल कह रहे हैं वो 48 बीघा। विधायक जी, मैं इसलिए आपको गलत साबित कर रहा हूं, आप अपने तहसीलदार जी से पूछिएगा, आपको जब पहली बार भाषण में ये कहने के लिए बताया होगा कि 40% हम विकसित करके देंगे, लेकिन उसको आपने 40 बीघा बनाकर लोगों के पास में प्रेषित कर दिया। मैं यहाँ के तहसीलदार को भी ये कहना चाहूंगा और आपको भी ये कहना चाहूंगा कि जो ये बदराणा जोड़ की जमीन है, जो आज के दिन 13.18 हेक्टेयर भूमि अभी बची हुई है, और जो लगभग 13.18 हेक्टेयर जो जमीन है वो 118.62 बीघा आज की जमीन है जो आज मौजूद है उस बदराणा जोड़ के अंदर। तो इसका 40% निकालिए वो 48 बीघा जमीन होती है। तो ये शायद आपकी गणित थी, वो आपकी कमजोरी थी कि आपने उसको 40 बीघा बताया। आपको शुरुआत से उसको 48 बीघा बताना चाहिए था 60-40 के नियमों के तहत, लेकिन आपने केवल जनता को मूर्ख समझ रखा है। मैं नवलगढ़ की आम जनता को आह्वान करना चाहूंगा, आप जमाबंदी निकालिए, उसमें 13.18 हेक्टेयर जमीन है जो कि लगभग 118 बीघा जमीन, 118.62 बीघा जमीन बनती है, और उसका 40% आप निकालिए। और फिर आप क्या कह रहे हो, जो 8 बीघा जमीन है वो किसको देंगे, वहां पे जो शमशान घर है उनको देंगे, और वो नाम किसके चढ़वाएंगे, नगर पालिका के। विधायक जी, इतना झूठ बोलना भी आपके लिए शोभा नहीं देता, क्योंकि आप पूरे नवलगढ़ तहसील का नेतृत्व कर रहे हैं हमारे पूरे राजस्थान के अंदर, और आप क्या बोल रहे हो, नगर पालिका में वो नाम दर्ज करवाएंगे, जबकि वो शमशान घर ऑलरेडी रिकॉर्डेड दर्ज है। आपके पटवारी से पूछिए, आपके तहसीलदार जी से पूछिए कि वो शमशान घर दर्ज नहीं है क्या, तो फिर आप किसको नाम दर्ज करवाने का नाम ले रहे हो। ये आपका सबसे बड़ा झूठ है, ऑथेंटिक झूठ है। अब मैं बात करूंगा ट्रस्टियों की, और कल एक विधायक महोदय अपने आप को पाक साफ करने के लिए ट्रस्टी को लेकर आए, जो कि उस ट्रस्ट का सचिव है, जिसका नाम इंद्र गोयन का है, उसको लेकर आए, और वो ट्रस्टी यहाँ पर आकर क्या अपने उद्घोषण में क्या कह के जाता है,
कि हमने इस जमीन के एक रुपया भी हमने इस जमीन का नहीं लिया है, इस जमीन को हमने बेचा नहीं है, इस जमीन को हमने जनसेवार्थ के लिए उपयोग में लेना चाहते हैं। तीन शब्द हैं, इस जमीन का हमने एक रुपया नहीं लिया है, इस जमीन को हमने बेचा नहीं है और इस जमीन को हमने जनसेवार्थ के लिए काम में लेना है। ये किसकी कही हुई बातें हैं? उसी नगर पालिका प्रांगण में ट्रस्टी की कही हुई बातें हैं। और इस तीनों बातों के विरोधाभास में मैं ये बात बताना चाहूंगा कि 2011 में वो जमीन बिकी है, वो जमीन किसने बेची है? ट्रस्टी एक तरफ, जिसको लेकर यहाँ पर आप पाक साफ होना चाहते हैं विधायक जी, वो कह रहे हैं कि हमें एक रुपया इस जमीन से नहीं चाहिए, हमने कोई जमीन बेची नहीं है, हम इसको जनसेवार्थ काम में लेना चाहते हैं। तो विधायक जी, 2011 में आप विधायक थे, तो आप पे ये सवाल बनता है कि 2011 में वो जमीन किस व्यक्ति ने बेची है, इसकी जांच करवाइए। आप तो हर किसी की जांच करवाते हैं, इससे पहले ये जांच करवाइए कि 2011 में वो जमीन किसने बेची और किसने खरीदी और किसने आज के दिन उस जमीन पर व्यावसायिक दुकानें और आवासीय मकान बने हुए हैं, तो इसने किसने बना ली और किसने बेच दी? ये सवाल उन ट्रस्टियों के लिए लागू होता है, न कि हमारे लिए लागू होता है, इसका जवाब आप दीजिए। अब ट्रस्टियों ने एक आकर, जो विधायक जी ने एक पन्ना बनाकर दिया था, शायद उनकी टीम ने उनको एक पन्ना बना के दे दिया पैराग्राफ कि आपको केवल इतना ही बोलना है, लेकिन सांच को आंच नहीं होती, कहीं ना कहीं उन्होंने भी वो गलती कर दी, जो नवलगढ़ की जनता उस वीडियो को देखकर समझ जाएगी कि क्या गलतियां हुई है। अब बात करता हूं ट्रस्टियों के द्वारा ये कहा जाता है, कल विधायक जी बहुत बड़ा आरोप लगा रहे थे मुझ पर कि उन्होंने ट्रस्टियों के से अनुमति ही नहीं ली इस मेले को लगाने की। तो विधायक जी, मैं ये कहना चाहूंगा, आपके ट्रस्टी जो आपने कल बिठा रखा था, उस ट्रस्टियों के द्वारा हमारे नवलगढ़ के माननीय एडवोकेट साहब विद्याधर जाखड़ साहब को यहाँ पे उन्होंने मुख्तियार बना रखा है। और मुख्तियार नामा किन के नाम है? अपने विद्याधर जी जाखड़ साहब के नाम, और वो ही उनके वकील थे। किन के? ट्रस्टियों के वकील थे। तो आप ये ऐसे कैसे कह सकते हो कि आपने किसी से परमिशन नहीं ली है? आपके पास में क्या ऑथेंटिक चीज है? मैं आपको डॉक्यूमेंट दिखाता हूँ, ये आपको क्लियर दिखा रहा हूँ, ये रजिस्टर किया हुआ है 18/12/2013 को, 18/12/2013 को ट्रस्टियों के द्वारा हमारे माननीय एडवोकेट साहब विद्याधर सिंह जाखड़ को मुख्तियारनामा बनाकर दिया जाता है और उनको पावर दिए जाते हैं कि आप केवल एक चीज छोड़कर जमीन बेचने के अलावा और सारे पावर आपके पास में है। ये इस मुख्तियारनामे के अंदर है, जिसकी डॉक्यूमेंट्स कॉपी मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। अब मैं थोड़ा सा, ये क्या मेले वाला चक्कर, कई लोगों को रास नहीं आ रहा है, दो चार लोग हैं जिनको ये मेले से बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। एक भांड तो हमारे गांव में भी है, जो एक तरफ तो ये बोलता है कि ये अपने पैसों की कमाई करना चाहता है और दूसरी तरफ वो ही भांड वहां मेला भी लगवाना चाहता है। तो समझ में नहीं आ रहा है कि चोर कौन है। आप किसी के बारे में बोल रहे हो, उससे पहले ये सोचिए कि हम उसके लिए क्या कर रहे हैं। मैं नवलगढ़ की जनता को बताना चाहूंगा कि सबसे पहले मेला 2015 में लगा था, 2015 में मेला मैंने लगाया था नगर पालिका प्रशासन के द्वारा। नगर पालिका प्रशासन ने टेंडर किया था, खुली बोली लगी थी, उस खुली बोली के अंदर 9,27,000 रुपए में हमने उस टेंडर को लिया था। जो वो कल 9,27,000 रुपए की जो चर्चा कर रहे थे, उन मूर्खों को ये नहीं पता है कि ये तो हमारे द्वारा नगर पालिका से टेंडर लिया गया है और उनकी नगर पालिका है, रसीदें चेक कर लें और टेंडर चेक कर लें। आप किस पे आरोप लगा रहे हो कि 9,27,000 रुपए कहाँ गए? 9,27,000 रुपए तो मेरे द्वारा उस नगर पालिका में जमा करवाए हुए हैं और आप चेक कर सकते हो, आपकी नगर पालिका में आपके अधिकारी बैठे हैं। अब बात आती है ट्रस्टियों के मेला भरवाने की अनुमति की, तो मुझे ट्रस्टियों ने मेला भरवाने की अनुमति दी थी, जिसकी अनुमति एडवोकेट साहब ने मुझे दी थी, जिसकी वो बोल रहे हैं कि ट्रस्टी क्या बोल रहे हैं कि हमें इसकी संज्ञान में नहीं है। अगर उनके ये संज्ञान में नहीं है, तो जब पहली बार मेला भरा था ट्रस्ट की तरफ से,
तो उन्होंने पानी की व्यवस्था क्यों की, उन्होंने पानी के टैंकरों के पैसे क्यों दिए। विधायक जी ये सवाल आप पे बनता है, जो आप कल वहां पे लोगों को बता रहे थे ना, जब उनको संज्ञान में ही नहीं है तो उन्होंने पानी की व्यवस्था कहां से कर दी, टैंकरों को पानी के पैसे कहां से दे दिए, ये नवलगढ़ की जनता पूछना चाहती है। उसके बाद में इन्होंने क्या किया, जो हमने मेला लगाया इसकी संपूर्ण सूचना हमारे एडवोकेट साहब विद्याधर जी जाकर साहब इनको अपने माध्यम से, जिस भी माध्यम से इन्होंने दिए वो देते थे, लेकिन इनके मन में लालच आ गया। हमें जो मेला दिया गया था, जो मेला लगाने की अनुमति दी थी ट्रस्ट ने, वो इस शर्त पे थी, क्योंकि फैसला जो 2019 के अंदर जो फैसला आया था कोर्ट का, वो कोर्ट का फैसला ये था कि नगर पालिका कोई भी टेंडर या बोली नहीं करवाएगी। ट्रस्ट की भावनाओं के अनुसार, ट्रस्ट की भावनाओं के और किसानों को फायदा होने के अनुसार इस मेले का आयोजन करेगी, वो भी बिना पैसों के निःशुल्क, और उसका आयोजन में जो चार्ज लेगी वो नॉमिनल चार्ज इतना ही होगा कि जो उसकी वहाँ पे जो लाइट की व्यवस्था की जाती है, जो चारे की व्यवस्था की जाती है, जो पानी की व्यवस्था की जाती है, जो सांस्कृतिक प्रोग्राम में खर्चा किया जाता है, केवल वो ही लिया जाएगा। और जो आप जो ठेके में बोली ले रहे हो, ठेका लगा कर जो पैसे ऐंठ रहे हो, वो नहीं लेंगे। उसके विपरीत ही यहाँ ट्रस्टियों ने मुझे मेला भरवाने की अनुमति दी थी और उसमें मैंने मेला भरवाया। और मैं इस नवलगढ़ की जनता को बताना चाहूंगा कि मेला भरवाना क्या गलत था, क्या आज से पहले किसी ठेकेदार ने या किसी व्यक्ति ने मेला नहीं लगाया है? क्या मेला लगाना किसी को मेला लगाना मेरा गलत है या किसी को चुपता है, वो उसकी पर्सनल राय है। लेकिन मैंने मेहनत की है, मेला लगाना कोई छोटी बात नहीं होती है। कम से कम 15 दिन 24 घंटे मेले के अंदर घूमना पड़ता है, दिन रात एक करने पड़ते हैं, सुविधाओं का ध्यान रखना पड़ता है, हमारे जो किसान आते हैं उनका ध्यान रखना पड़ता है, पशुओं के लिए पानी की व्यवस्था जो प्रति मिनट के हिसाब से करनी पड़ती है। हम यहाँ 100 व्यक्तियों के पानी की व्यवस्था नहीं कर सकते, वहाँ हजारों में पशु आते हैं, उनकी व्यवस्था करनी पड़ती है, सांस्कृतिक प्रोग्राम करवाया जाता है, दौड़ प्रतियोगिताएं होती हैं। आपको क्या मालूम, आपने तो कह दिया कि मेला ऐसे ही लगता है, लेकिन जो धरातल में वर्क करता है उसको पता है कि मेला कैसे लगता है। हमने मेला लगाया, कोई चोरी नहीं की है, हमने मेहनत की है। आज से पहले भी किसी ने मेला लगाया तो उसने मेहनत की है, हमने चोरी थोड़ी की है। जो आप आरोप लगा रहे हैं कि ये 5 लाख कमा लिए, 10 लाख कमा लिए, 11 लाख कमा लिए, अरे आपके पास में ऑथेंटिक कोई चीज है कि मैंने इतने रुपए कमा लिए तो जनता को दिखाए ना, मैंने चोरी की है क्या, जो आप आरोप लगाए जा रहे हो। अब मैं ट्रस्टियों का, कल विधायक जी ने जो आरोप लगाए मैं उनको निराधार करता हूं कि आप बोल रहे हो कि ट्रस्टियों को इन्होंने कोई हिसाब किताब नहीं दिया, ट्रस्टियों को इन्होंने गुमराह रखा, ट्रस्टियों की कोई अनुमति नहीं थी, ये सारी की सारी बातें मैं आपको दरकिनार करता हूं और निराधार बताता हूं। और विधायक जी मैं ये कहता हूं, अगर मैं गलत हूं तो आज भी मैं धंधे पे बैठा हूं, अपनी पूरी पुलिस महकमे को लगाइए और मुकदमा दर्ज कराइए और मुझे गिरफ्तार कीजिए, मैं गिरफ्तार होने के लिए तैयार हूं। लेकिन मुझे पता है कि मैं सच्चा हूं और मैं मेरी जगह सही हूं, इसलिए मुझे कोई डर नहीं है। आप भाषणों में चाहे कितना भी बड़ा माहौल बनाएं और कितनी भी आप जिंदाबाद लगाएं, मेरा मनोबल टूटने वाला नहीं है और मेरी जो शक्ति है वो टूटने वाली नहीं है, क्योंकि हमने जो मुद्दा लिया है वो जनता के हित में मुद्दा लिया है। और आपको ये लगता है कि मैं मेला भरवाने के लिए ये काम कर रहा हूं, तो आप इस मेले को छोड़िए, इस बजराना जोड़ को, मैं आपको वचन देता हूं कि मैं कभी इसमें मेले के लिए टेंडर नहीं करूंगा, कभी इस मेले को नहीं भरवाऊंगा। लेकिन आप वचन कीजिए इस बदराना जोड़ को छोड़ने का, इससे बड़ा वचन इस नवलगढ़ की जनता को नहीं दे सकता, मेरा कोई अब लालच नहीं है इसमें। और जो मैंने मेले लगवाए वो मैंने अपनी मेहनत से लगाए, मेरी टीम की मेहनत से लगाए, और जो मेहनत करेगा वो 2 रुपए भी कमाएगा, 2 रुपए खोके भी जाएगा। लेकिन आपको अधिकार नहीं है कि मैंने क्या कमाया, क्यों कमाया, कैसे कमाया, आप कौन हो, आपको किसने ये हक दिया है कि आप मेरे से ऐसे सवाल करें। और आप कोतवाल का विषय तो ये है कि आप नवलगढ़ की जनता को किस तरह पागल बना रहे थे। कल आप एक एफिडेविट का नाम लेकर जो सुना रहे थे वो आप जो कोर्ट में जिरह होती है, शायद कुछ लोग समझ जाएंगे और जिनको नहीं समझ में आता है वो समझने की कोशिश करेंगे किसी वकील के द्वारा, कि जो कोर्ट में जिरह होती है, जो विपक्ष का जो वकील होता है वो जिरह करता है और वो क्रॉस क्वेश्चन करता है, उसके जवाब दिए जाते हैं।
और उसके जवाब मैंने दिए हैं, और जो आपने पढ़ के सुनाए वो मैंने जवाब इस तरीके से नहीं दिए जिस तरीके से आपने नवलगढ़ की जनता को पेश किया है। वो जवाब जो लिखा गया है वो जवाब मैं आपको बोल के भी सुनाऊंगा और इस पेज को मैं आज आउट भी करूंगा। मैं आपको सुनाता हूं, PW04 गवाह प्रताप सिंह ने सहशपथ कथन करते हुए बताया कि वह विवादित भूमि ट्रस्ट की भूमि में कई सालों से मेले को आयोजित करता है। विधायक जी, मैंने ये बता दिया कि जो विवादित भूमि का जो मामला केस में चल रहा है उसमें मैं मेला लगा रहा हूँ, तो क्या ये बात झूठ है? मैंने मेला लगाया, इसमें झूठ क्या है? आप क्या सिद्ध करना चाहते हो? उसके बाद में मैंने ये कहा, पहले पंचायत समिति ट्रस्ट की भूमि में मेला लगवाती थी, तो इसमें मैंने क्या कहा? झूठ कहा क्या? आप चेक करवाइए आपके महकमे से, क्या पंचायत समिति इस मेले को आयोजित नहीं करवाती थी? इसमें क्या झूठ कहा मैंने? इसके बाद में मैंने ये कहा, फिर नगर पालिका नवलगढ़ ट्रस्ट की भूमि में प्रशासनिक अधिकारियों का दुरुपयोग करके मेला लगाने के लिए बोली लगाकर 8 से 9 लाख रुपए लेती थी। तो विधायक जी, इसमें मैंने क्या झूठ बोल दिया कि नगर पालिका नवलगढ़ ट्रस्ट की भूमि में बोली लगाकर 8-9 लाख रुपए लेती थी? इसमें मैंने क्या झूठ कहा? 9,27,000 रुपए तो मैंने नगर पालिका में जमा कराए, मैंने 27,000 कम ही बताए, ज्यादा तो मैंने बताया भी नहीं है। इसमें मैंने क्या झूठ कहा? कल आप बहुत उछल उछल के जो पेपर दिखा रहे थे उनकी बात कर रहा हूं मैं विधायक जी। अब मैं बात करूंगा आगे के पॉइंट में, मैंने क्या लिखा है, मैंने क्या जो कोर्ट में मैंने क्या बयान दिए। अब ट्रस्ट निशुल्क जन कल्याण एवं पशुपालकों के कल्याण के लिए अपनी भूमि में मेला लगने की स्वीकृति देती है। मैंने कोर्ट में क्या कहा है कि अब ट्रस्ट मुझे निशुल्क विदाउट पैसे जन कल्याण एवं पशुपालकों के कल्याण के लिए अपनी भूमि में मेला लगाने की स्वीकृति देती है। वह बिजली पानी व चिकित्सा पर होने वाले खर्च पर नॉमिनल खर्चा वसूल करती है, मतलब वो हमसे कोई पैसा नहीं लेगी। ये बात मैंने क्या किस में कहा है? कोर्ट में मैंने कहा है, तो इसमें मैंने क्या गलत कहा? आप मेरे से किस पैसों का जवाब मांग रहे हो पूछना चाहूंगा मैं, कौन से पैसों का जवाब मांग रहे हो? मेरा गवाह आपने ये सुन के तो नहीं बताया कल आपने मीडिया के अंदर कि मैंने ये बयान भी दिया था कि ट्रस्ट ने निःशुल्क दिया है, केवल कौन सा चार्ज लेंगे? जो हमारा खर्चा लगता है वो चार्ज लेंगे। नगर पालिका में पहले बोली लगाकर पैसे ले लेते थे, उसके बाद में हमारा जो चार्ज लगता था वो एक्स्ट्रा एडिशनल होता था। अब क्या होता है कि अब जो बोली में जो पैसा लगता था वो इस मेले में लगा नहीं हमारा, और जो खर्चा था जैसे पानी की व्यवस्था का, बिजली की व्यवस्था का, चारे की व्यवस्था का, खेल जो प्रोग्राम होते हैं उसके लिए, सांस्कृतिक प्रोग्राम जो 7 दिन चलते हैं उसके लिए, लोगों को बताने की जरूरत नहीं है मुझे, लेकिन मैं आपको सेटिस्फाई करना चाहता हूँ कि आप समझ में आए। अब मैं बात करूंगा आपको इसके आगे मैंने क्या लिखा, पहले पशुपालकों से एक पशु विक्रय पर 500 रुपए लेते थे, उसकी जगह मैंने 200 रुपए लेने वसूल किए। तो विधायक जी, इसमें मैंने गलत क्या कर दिया? 500 की जगह 200 रुपए लिए हैं पशुपालकों से, तो इसमें कौन सी चोरी हो गई? रिकॉर्डेड लिए हैं ये, तो आप कौन से हिसाब की बात कर रहे हो? अगर आपको गलत लग रहा है तो आपके थाने में मुकदमा दर्ज कराएं, जांच करें और मुझे सजा दिलाएं। आप ओपन मन से ज्यादा उठकर भाषण मत दीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आज राज आपका है, सिस्टम आपके हाथ में, आप जो चाहे वो करिए, लेकिन हमारी लड़ाई सच्चाई के साथ में, सच्चाई के साथ में हम यहाँ पर बैठे हैं, और मैंने आपको वचन भी दिया है, लेकिन मुझे पता है कि आप अपना वचन नहीं निभाओगे। अगर आप इस बदराना जोड़ को रोक देते हो, जैसी स्थिति है उसमें पशु मेला लगवाते हो, तो मैंने वचन आपको दिया है कि मैं इसमें कभी मेला नहीं भरवाऊंगा, लेकिन आप वचन दो इस नवलगढ़ की जनता को कि आप इसमें मेला लगवाओगे, लेकिन आप वचन नहीं दे सकते, केवल आप भाषण दे सकते हैं। साथियों, जो पेपर आपको कल देने थे, जितने मीडिया कर्मी आप मौजूद हो, क्या आपको पेपर दिए हैं अभी तक? भाषणों में तो विधायक जी ने जाके बोल दिया कि मैं आपको पेपर दे के जाऊंगा, लेकिन आपको मीडिया कर्मियों को कोई पेपर नहीं दिया, लेकिन आप आश्वस्त रहिए, मैं आपको आज पेपर दूंगा, आप वो दिखाना। अब मैं बात करता हूं इस बदराना जोड़ के मामले की। विधायक जी ने बहुत
बढ़ चढ़ कर कल बातें की, भाई बड़े पोस्ट पर हैं, बहुत बड़े आदमी है, उनके मन में आएगी वो करेंगे, अपनी भीड़ इकट्ठा करते हैं, नारे लगवाते हैं, जबकि मंच था बदराणा जोड़ के बारे में चर्चा के लिए, लेकिन उस पर कोई चर्चा नहीं हुई। नवलगढ़ की जनता हमारा भी वीडियो देखती है, आपका विधायक जी आपका भी देखती है, नवलगढ़ की जनता अपने आप फैसला करेगी। हो सकता है आज नहीं बोलेगी, आने वाले समय में बोलेगी, लेकिन फैसला नवलगढ़ की जनता को करना है, नवलगढ़ की आम जनता एक दिन इसका फैसला करेगी। मैं तमाम मीडिया कर्मी को धन्यवाद देना चाहूंगा, और मेरे सवालों को आपने नवलगढ़ की जनता को पहुंचाया, उसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।